चलिए तो बच्चा लोग आज के ऑफलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। अबे ताली बजा। चलिए ठीक। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लोकोमोशन मूवमेंट। ठीक है डॉक्टर, नहीं हड्डी थोड़ा सा वाला आएगा। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग मसल्स के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग बोन्स के बारे में जानेंगे। तो मसल्स को नॉर्मल स्टडी होगा, जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं, जब बोन्स पढ़ेंगे तो फील आएगा। 206 का 206 हड्डी रटना नाम के साथ लोकेशन के साथ अभी, और बहुत सिंपल है, रटवाना मेरा जिम्मेदारी। नहीं है सिंपल, कितना उंगली, कितने हड्डी से बना सिंपल, तीन तीन छह तीन चार और उंगलियों के बाद 14। ठीक है, यहाँ कितना, पांच दिख रहा होगा, वुल्वरीन टाइप दिखा रहे हैं हम, पांच। यहाँ पे ये रिस्ट कितने हड्डी से, दो, आठ, आठ है। हाँ जाहिर सा बात है, कौन कंप्यूटर के पता ही चलेगा, बस याद करके मत आना फिर देखना। यहाँ कितना एक बैग, सब कुछ गिरने पड़ने क्यों लग रहा है भाई, संभालो। कहूँगा इसको क्या गिर गया, टोपी तो पाना ही नहीं। अच्छा पेन का टोपी, तुम चले टोपी मेरा पाने आया, गिर गई लगी। देखो इस सर्टी का नाम तुम्हें बताएगा, हेलो मसल होता है रे, बाइसेप इज द मसल, हड्डी कौन सा है, यहाँ हड्डी ना है, खाली मसल है। नाम पलट के देखो, ह्यूमरस, ह्यूमरस नहीं नहीं वो पैर होता है ना, अरे फीमर पैर का होता है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पेल मेटाकार्पेल फैलेंजेस, इधर देख, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पेल मेटाकार्पेल फैलेंजेस, कितना हड्डी का नाम याद हो गया, पांच ही का हुआ, चौदह तो यहां था, पांच आठ, चौदह पांच उन्नीस, आठ सत्ताईस दो उन्तीस और एक तीस, तीस हड्डी यहां तीस हड्डी यहां, सात हड्डी का नाम कैसे याद हो गया। थैंक यू पाला वाला, हम हमेशा पाला को टिक मारते हैं, कैसी मुझे तुम्हें पागल हो रहा हूँ। ऑप्शन चेंज का ऑप्शन नहीं है, नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम ही बदल लेंगे, फिर ऐसे ही रेल लोगों को होगा जैसे अभी हो रहा है। चलिए तो लिखिएगा, हाँ बहुत सारा चीज लिखना है। देखो मेरे हिसाब से तो बुक में हो जाएगा, बट तुम कॉपी में लिखो क्योंकि मेरा मूड कब चेंज हो जाए आप भी नहीं जानते, और तेजी तेजी में लिखना है, वार्म अप कर लो, ये जो ताली बजवाए ना ये वार्म अप था, नहीं क्या जब चल लेंगे हम, कोई भी काम फालतू में नहीं करते, टाइम का सबसे ज्यादा यूज भी अभी करते हैं, टाइम का क्लास में बात करें कभी टाइम वेस्ट करते ही नहीं, रिकॉर्ड है मेरा, एक एक घंटा बढ़ाया अपना, सब फेस्टिवल को बताना मत, सॉरी दो घंटा और तो छठ का ना, छठ का स्टोरी सुनाने में, हाँ वही छठ के टाइम का गई ना, फिर से तुम लोग बात करने के लिए उत्साह रहे हो,
बता रहे मैं भैया करा देंगे। लिखिए 29 है सर। देखो हमको किडनैप करके लाया गया है, हम रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, हम किसी का बुलावला नहीं है। मैसेज दिखाएंगे आपका। किडनैप भी कर लिया तो फोन तो मेरे पॉकेट में ही था ना, साथ साथ आ गया। रिकॉर्डिंग में देखो सबके धमकी भी सुन रहा है। लिखिए स्ट्रीमिंग ऑफ छोटा प्लाजा, स्ट्रीमिंग STREAMING स्ट्रीमिंग नहीं रे, पॉइंट ऑफ पॉइंट हेडिंग इतना बड़ा बड़ा लिखा हूँ लाल से तो फिर स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म तो पहले इंट्रोडक्शन होगा फिर हेडिंग चलेगा ना बच्चे। 29 हाँ स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट, इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ठीक है अगला पॉइंट, एक पॉइंट लिखिए लोकोमोशन। पहले तो ये बताओ कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? या बताइए एनीवन एल्स? लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होता है और मूवमेंट में कोई मूवमेंट आ जाएगा। ओके सो मूवमेंट इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी पार्ट, वाइल लोकोमोशन मींस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसिंग द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड वन मोर थिंग विच यू मस्ट कीप इन योर माइंड इज एवरी लोकोमोशन हैज अ मूवमेंट इनसाइड इट। अगर आप यहां से यहां पहुंच गए जाहिर सी बात है आपका लेग पीस चल के वहां गया होगा है ना, तो लेग पीस अगर यहां से यहां आया तो आपका बॉडी मूवमेंट भी तो हुआ ही। तो लिखिएगा लोकोमोशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटायर बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटायर बॉडी इज कॉल्ड लोकोमोशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटायर बॉडी इज कॉल्ड लोकोमोशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटायर बॉडी इज कॉल्ड लोकोमोशन। इसी के लिए एक और पॉइंट, इट इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एनिमल्स, इट इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एनिमल्स, इट इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एनिमल्स मीन्स नो प्लांट कैन लोकोमोट बाय इट्स ओन। ठीक है कोई भी प्लांट अपने जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस नहीं होता। ठीक है ये तो पता चला कि आपके जमीन पे कोई आम का पेड़ था एक आध साल के बाद ढाल के पड़ोसी वाले क्या चला गया है ना, तो फिर एक अलग मैटर होगा मेरा पेड़ होता ना हम तो लेके आया खुद आया जाहिर सब बात। चलिए अगला मूवमेंट, इट इज एनी काइंड ऑफ मोशन, इट इज एनी काइंड ऑफ मोशन shown in the body of organisms, it is any kind of motion shown in the body of organisms, it is any kind of motion shown in the body of organisms। ठीक है एक पॉइंट और लिख लीजिए, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में मूवमेंट होता नहीं होता, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कोई? अपने आप थोड़ा ना होता, तो हवा तो चाहे तो फिर अगर या हवा क्या अगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का बात करें तो हम अगर एक्सटर्नल एजेंट बने तो एक पेड़ को खा कर दूसरे जगह पे तो लगा ही सकते हैं, तो इसका मतलब क्या उसका लोकोमोशन हो गया, हम उठाए ना
अपने आप जो होगा उसको बोलेंगे ना रूट का ग्रोथ है या मूवमेंट है ग्रोथ तो मूवमेंट बताइए ना थोड़ा सा प्लांट लेकिन मूव करता है तो एग्जांपल सुनिए तो बताइए कोई भूतिया पेड़ का हानि भी आपके लिए हो सकते हैं पंचायत में से था पेड़ दौड़ा देता था उठा हेलो ऑनलाइन क्लास का वेट कर रहा है हेलो कोचिंग में ठीक है बाहर आना तो और गया क्या यहाँ पे बेच वेच नहीं ना पाइप का ड्राइवर को पहले फोन करता हाँ तो एग्जाम्पल क्योंकि वो पंचायत वाला पेड़ नहीं था भूधा पेड़ तो बताइए क्या पूरा पेड़ खुद थोड़ा अच्छा पूरा पेड़ ही मूव करता है थोड़ा थोड़ा अच्छा थोड़ा थोड़ा मतलब सेंटीमीटर में हाँ मिलीमीटर में बोल रही है पेड़ पौधा पूरा पेड़ मूव करता है इसके घर में भूधा पेड़ है एक अमरूद का पेड़ था इसके यहाँ सर आप मूवमेंट ना बोले हैं सर सर हवा से तो हो ही नहीं सकता एक्सटर्नल इवेंट हो गया ना बच्चे तो वैसे तो हम भी तब तो फिर हम खुद ही जाके पेड़ों खींच दिए बोले मूवमेंट हो गया हम भी एक्सटर्नल इवेंट है ये क्या बात है मीमोसा पुटी का आप जैसे ही टच करोगे तुरंत से मूव कर जाएगा मोमेंट होता है थोड़ा सा रैम कम है तुम्हारा तो बड़ा होगा समझ गए बाकी में भी होता है सनफ्लावर देखो गोल गोल घूम जाएगा सब में होगा सब में होगा जब किसी पेड़ में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो वाटर का लेवल उस प्लांट में बढ़ जाएगा और उसका लीफ जो है ना टाइट हो जाएगा जैसे ही सन डाउन होगा लीफ में झुक जाएगा सो एज टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है तुमको दिख नहीं रहा लेकिन ये तो सब में होता है मूवमेंट ठीक और कुछ भी नहीं तो सेल के अंदर तो मूवमेंट हो रहा ना देखो उसका रैम कम है तुम्हारा प्रोसेसर स्लो है तो ये गजब बैठे साधु को हटा इसके लिए हम ड्राइवर से बात करते ये तो क्यों भयंकर ले जाती है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जब देखना ये क्लास लोकोमोशन मूवमेंट का फर्स्ट क्लास 12 मिनट चलो कोई नहीं सर मूवमेंट प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही मिलता है ठीक है अगला पॉइंट लिखिएगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट टोटल चार तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट में पहला लिखे सीलियरी मूवमेंट देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर हम बात करें तो ये ऐसा होल बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है समझते हो 7 लेक्चर अरे यार हम ब्रेन नहीं ना भेजे दोबारा डाउट हम दिए थे तुम नहीं आए अरे भाई वाईफाई नहीं काम कर रहा तो हम क्या कर रहे हैं नेट को किसके लिए बचा कर रखे थे उसको खाना भी बहुत लेट हो गया तुम क्या कहते खैर तो मुद्दे पे आते हैं ब्रेन भी जाएगा तरीके समझ में ना तो क्या देखेंगे अभी देखते चलो डाउट फिर एक और समझ में कल 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 ले लो कल संडे
हाँ अच्छा, जो मेन मुद्दे का बात करते पहले वो सुनो, सुबह में नहीं लगेगा बिल्कुल, संडे को शाम के बाद क्लास करते हैं। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से 20-22 क्वेश्चन तो आएगा नीट में, कंफर्म है। 20-22 कम बोले, 30 ले लो। हाँ ओवरऑल 30 ले लो। जाहिर सी बात है 7 चैप्टर भी है यार ह्यूमन फिजियोलॉजी में, होल एक चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन में नहीं मानोगे तो क्या मानोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में? कम से कम 25 के आसपास तो माने लो। मेडिकल नहीं निकला तो एग्रीकल्चर करो, प्लांट बढ़ा देना। आज तुम बात बोले तो ये 20-22 या 25 क्वेश्चन के लिए लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए हम कुछ कुछ पॉइंट्स को मार कराएंगे, वो सब पॉइंट्स को एकदम दिमाग में कटा के रखना कॉन्स्टेंटली रिवीजन में, ठीक है? अबे हाँ सुन रहे हैं, मुंडी नीचे है। नहीं वो रिबूट कर रही है सिस्टम रिपेयरिंग, जारवे सिस्टम रिपेयरिंग ऑन। लगता है आपका रमन का आज दोनों बारी निकलते उड़ जाएगी बेचारे दोनों के। मतलब अब तो हो गया बोल रहे भाई, सच में उठाना पड़ेगा इनको, सुधारे नहीं गया। मतलब रिकॉर्ड सुपारी है। अरे अब जाते ही मर जाएगी तो बोर्ड को आ जाएगा, फोन तोड़ देंगे ले ठोकने के बाद तो भागना भी पड़ता, भूल गई ठोकने के बाद फोन ढूंढेगी फोन कहाँ गया। अरे आपके साथ ना तो दोनों और कितना उसको फोन कौन देख रहा है? सबसे पहले फोन ही देखता है, ठीक है देख लो। अरे तो मेरे पास गवाह भी है, तुम लोग को भी बैठना है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में पहला सीलियरी मूवमेंट लिखिएगा। यही बोले थे कि हम इंपॉर्टेंट मार्क कराएंगे। अच्छा वो सब सुबह में होगा, देखते संडे है तो मे बी ऑनलाइन लगा दे। नहीं 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 ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं आपको लग रहा है वापस लेक्चर लेना पड़ता है तो दिमाग में जाता है, सबको ऐसे ही करना पड़ता है। सबको परेशान करते रहते लोग आपको। अच्छा इसलिए हम बोलते रहते हैं, अच्छा है तो सही खराब करते रहते हैं तो फिर क्या ही ध्यान देंगे हम। एक दिन चाय पीना ही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया चाय वाले भैया बोलते नहीं, इसका घर का पूरा रेखी करवा चुके हैं, इतने बुद्ध थोड़ा ना है। वहाँ बाहर से आ गए हैं संडे को तो और चलना चाहिए, देखो बाहर से तो आपको वो परिचय करने के आप आएंगे खुद, अभी कोरोना से निकले हैं और खुद वापस आएंगे एकदम महान इंसान है। आपको कोविड हुआ था तो वही ना, तो इतनी तबियत खराब क्या बोले वीकनेस हो रहा था तो नहीं, बहुत ज्यादा होता है यही सुने, वीकनेस भी होता है बहुत ज्यादा होता है चाहिए। साथ में भी जुड़ा हुआ है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं था ना, सर्दी था ना खांसी था ना फीवर था बस। और दूसरा मेन कारण अचानक से दिन दिन भर लैपटॉप में बैठना पड़ रहा था, लैपटॉप स्क्रीन पे आते आते ना एकदम आंख से पानी गिरना शुरू हो जाता है अगर तुरंत से तुम बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा तो। जैसे अभी यूज टू हो गए तभी उतना दिक्कत नहीं होता, अभी दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे कोई दिक्कत नहीं, रात में जब फोन लेते लेटते तब आंख से पानी गिरना शुरू होता है। कितना होगा पहले पावर बढ़ जाएगा तो उसके बाद फिर हम फाइनली यही डिसाइड करें, जैसे अगर कल हम डाउट लगाएंगे तब लाइट लगाएंगे, नहीं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं पढ़ना। और अगर क्लास लगाए तो फिर ऑफलाइन होगी, 10-11 बजे के राउंड ना, नहीं क्या सुबह 10-11 बजे 9 बजे से
9 बजे के या 9 बजे से कभी भी बुला सकते हैं। शाम ही में मैसेज कर दीजिए पापा 8 बजे उठा देना, फिर वीकेंड मना। अब मेरे वाली बहन को भी जल्दी उठना पड़ा, हाथ हाल है। वाह, मेरा भैया उठा देगा। मेरे पापा बोलते हैं हाँ पापा उठो, तो हम क्या करें, उठिए जल्दी, हमको नहीं उठना है। पापा तो 6 बजे के उठो बेटा, इतना अच्छा। आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, डैडी आए उठाए, बोले नहीं सोने दीजिए, उठता है कि नहीं, कंबल खींचे सो गए। जाहिर सा बात है, हम 2:30 बजे सोए थे, कहां से इनको इनका बात सुनाई भी नहीं दे रहा था। और होता ना, जैसे अगर तुम पहले सो गए हो ना, तुम दो दिन भर करवट लोगे, क्योंकि नींद हल्का होने लगता है, तो सामने वाला फिर खींच खाच के उठा देता है। जब सामने वाले को पता है, डैडी को भी पता है कि हम उठा के बैठाए फिर भी सोया, मतलब कि उठने वाला नहीं है, छोड़ दो। फिर 10 बजे भाई आया और वो उठाई, हमारे उसको चैलेंज दिए कि तेरे को रात में 4 बार नहीं उठाया सोरे में। भाई आ गए, यही लड़ाई क्या, अभी भाई आ गए। हाँ तो सारा कॉलेज बंद है तो क्या करेगा, वहां से कितना दूरी है, 6 बजे चला 9 बजे घर में। ये गलत बात है, इसलिए सब नजदीक है। उनको नजदीक मिला, उसको दूर जाना था, मस्त रहेंगे हम ना। चैलेंज हम कैसे छोड़ सकते हैं, किसी दिन बिना बताया उसके यहाँ जाएंगे, अचानक से गेट कौन, हमें गेट खोलो, गेट खोलो, अरे हैंड्स अप, कितना रोटी बन रहा है, कितना सब्जी आया, खाते हो बाहर का, खाते हो नहीं खाते हो, सारे का हिसाब होगा, फिर कैलकुलेशन होगा, फिर ऑडिट रिपोर्ट जाएगा डैडी और मम्मी के पास, पहले हम गाली, फिर पहले सिर्फ डैडी को बोलेंगे, फिर सिर्फ मम्मी को बोलेंगे, फिर सब मिलकर सुनाएंगे। नहीं, ये मेरे प्लान का सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए अपने हाँ दोस्तों को उसका डेटा दिखा के आए पटना। एक दिन जब वो कॉलेज गया, हम सबको बोला भाई बोर हो रहे हैं, 7 दोस्त लोग आया, सबको रिसीव स्पेशल, कम से कम 5 बार 1 किलोमीटर पैदल चला हूँ, इसीलिए कि सबको घर दिखा दे, अगली बार जहाँ फोन नहीं उठाया भाई चाहते जरा साफ करा देखो, सोया हुआ तो नहीं, 11 बजे अभी तक। और उसको भी खौफ था, यानी 6 बजे फोन खुद ही करते था, नहीं तो कोई ना कोई तो भेजेगा बेचारे को, एक महीना हुआ नहीं, हो गए आप इतने जाल में, तारीख नहीं थी इंजेक्ट था। डिपेंड्स, जिसकी जैसी सोच, सीलिया ही में मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, मतलब विद द हेल्प ऑफ सीलिया, जल्दी बहुत बात की तुम लोग, सीलियरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया ना, यस, एग्जांपल मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब, एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मूवमेंट ऑफ ओवा, ओवा एग एंड हैप्लॉइड, ओवरी से बनता है, आपको पता होगा, आप सभी जानते हैं कि एक के पास कोई पैर तो होता नहीं है, ना ही कोई पूंछ होता है, है ना, तो एक मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, स्पर्म मोटाइल, उसके पास टांग होता है, पूंछ से भी कैसे चल सकता है, तैर सकता है, यस, वो स्विम करता है, ठीक है, तो स्विम करके गया, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, पहला लेटर बस नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब का भी 3 पार्ट, इन्फंडिबुलम, स्थमस और एम्प्यूला, और वो कितना अच्छा सेंसर बोल गया, नहीं नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, जब तुम्हारा बात मान लिया नहीं होगा, मतलब नहीं हो सकता है, हम इससे तुम गलत हो, आंसर एम्प्यूला नहीं होगा। तो सवाल ये था कि फर्टिलाइजेशन तो एम्पुला में हुआ,
अब वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट। जाइगोट फिर किसमें कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। और फाइनली एम्ब्रियो बेबी में कन्वर्ट होकर बाहर डिलीवर हो जाएगा। इम्प्लांटेशन कहां पे होता है? यूट्रस में, हाँ, यूट्राइन वॉल के साथ। अब जाइगोट बना था फेलोपियन ट्यूब में, पहुंचना है उसको यूट्रस में इम्प्लांट होने। बेचारा जो स्पर्म था, जो तैर सकता था, उसका सिर्फ हेड, उसका सिर्फ मुंडी एक में घुसता है, पूंछ कट के डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा लगा कि हॉरर स्टोरी सुना रहा है, पूंछ कटा और उसका गिर गया। सच में आज मेरा दिन बहुत खराब है। तुम कुछ मत खैर, तो टेल भी कट चुका है, तो अब तो जाइगोट तैर भी नहीं सकता, टांग तो था नहीं, चलता चल नहीं सकता, तो कैसे पहुंचेगा यूट्रस में? तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे सीलिया होता है, वो सीलिया ढकेल ढकेल के ढकेल ढकेल के ढकेल ढकेल के उसको चलिए। तो ये जो जाइगोट है वो यूट्रस तक उसी सीलिया के थ्रू पहुंचता है। अमन भी कुछ सोच रहा है, क्या सोच रहा है अमन? कुछ बोला था थोड़ा सा, नहीं सुना। हाँ बोला, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? जाहिर सा मजा दूसरे के पास, मजा कैसे ही आना है? अभी तो मुझे भी कर रही है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल याद रहा। दूसरा एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी लिखिए, म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल मूवमेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल्स मूवमेंट? ट्रैप चूहा है, यहाँ वहां मुझे चूहा है। मूवमेंट ऑफ म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल मूवमेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल्स मूवमेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। म्यूकस एंड क्या खोज रही है? जुआ सवाल आ गया। चलो ये हिल रहा है, उसके हिलने से आवाज नहीं आता है। म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल मूवमेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आप सभी को पता है नाक से जो गंदा आता है, ये सब डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप्ड होते हैं म्यूकस में। तो जो नाक का गंदा होता है, कुछ धूल है जो नॉर्मली किसी चीज पे होता है, धूल है सिर्फ, और वो धूल चिपक जाता है म्यूकस में और उसको सॉलिडिफाई करके वापस से जो सीलिया होता है ढकेल ढकेल के नाक से बाहर निकालता है, है ना? सीलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल, अच्छा गुड। सीलिया को काम करने नहीं देते। अगला लिखो फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिला मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इसका ध्यान अपने कुछ आवाज पे है ना, आवाज हम निकाल रहे हैं। सच में नहीं लगता? फिर से ऐसे क्यों? तुमको फिर पता चल जाएगा। सो आवाज आ रहा अभी? आप थोड़ा से चल रहे कि नहीं आवाज आ रहा? ऐसे ऐसे चल रहे, ऐसे अभी 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 नहीं हो रहा। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला लिख लिए, फ्लैजिला मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। नेक्स्ट
एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का बात हो रहा है, मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट ट्रैक्ट हाँ। देखो स्पर्म बनता कहां है मेल में, टेस्टिस में, रिलीज कहां से होता है, पेनिस। तो मेल के बॉडी में भी तो स्पर्म टेस्टिस से चलकर पेनिस तक पहुंच रहा है, बट पता है वहां पे मूवमेंट में टेल का कोई रोल नहीं होता, तो किसका रोल होता है? हाँ तो बताओ, वो सिक्रेट करता है, जो सिक्रेशन का नाम वही सब सिक्रेशन, फीमेल ट्रैक्ट में उसको तैरने के लिए मीडियम मिलता है। मेल में नहीं टेल का मूवमेंट होता, मेल में उसका उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसके सेल मेम्ब्रेन में, अंडुलेटिंग मूवमेंट उसको बोलते हैं, अंडुलेटिंग मूवमेंट के थ्रू वो मूव करता है। टेल का यूज, टेल एक्टिवेटिव फीमेल जनरेटर ट्रैक में होता है, एक्चुअली उसके लिए वो बैटरी टाइप होता है, टेल के ऊपर में एक बैटरी लगा होता है, जब तक एनर्जी रहेगा तब तक ही टेल चलेगा, तो इसलिए मेल में एनर्जी वेस्ट करते ही नहीं। जैसे ही स्पर्म फीमेल जनरेटर ट्रैक में पहुंचा वहां पे टेल एक्टिवेट होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देना शुरू करेगा और स्पर्म का जो टेल है बहुत बहुत फास्ट मूवमेंट करके भागता है, जरा भी स्लो हुआ तो यूट्राइन वॉल इंगल्फ कर जाएगा, मार देगा उस स्पर्म को। सर वहां यूट्राइन वॉल इंगल्फ करता है या डिंग है? नहीं, यूट्राइन वॉल बहुत खतरनाक है, कम से कम 200-300 मिलियन स्पर्म जाता है और एक तक पहुंचते पहुंचते में सिर्फ 200 बचता कतले आम मच जाता है। चलिए, और ये भी एक तरह का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिस भी स्पर्म में जरा सा भी कोई कमी होगा कि वो तेजी में मूव नहीं कर पाया, उसका शेप में कुछ गड़बड़ी है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया वीक है, वो एक तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, वो रास्ते में ही खत्म, जो स्ट्रांगेस्ट होगा वही एक तक पहुंचेगा। समझे? और इसीलिए मुश्किल से 100 पहुंचता है, 100-200 और 100-200 में से मुश्किल से 50 इस हालत में, जिंदा हालत में पहुंचता है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, बाकी बस पहुंच गया लेकिन गिर गया, अब हम मिल भी नहीं सकते, ऐसा हो। इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, मैं जो भी कहानी सुनाया हूँ ये 12th में नोट्स का पार्ट बनेगा। अच्छा, फसल में तो पढ़ा रहे थे आपको, देख रहे करके नोटिफिकेशन आते हैं क्या? नोटिफिकेशन आते तो आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो घंटी बजाई होगी यूट्यूब पर, सवाल नहीं नोटिफिकेशन। खैर, सबसे बड़ा वही लेक्चर है, मतलब सबसे बड़ा अपने 26 लेक्चर, काफी घंटे का भी ऐसे नहीं कि आधे घंटे में, ऐसे घंटों का और रिप्रोडक्शन प्राप्ति में ज्यादा बात नहीं करते नॉर्मली, उसका कारण है तुम लोग जैसे हो तो तुम लोग सब कंफर्टेबल है, बात कर सकते हैं, लेकिन 12th में कुछ नए बच्चे भी आते हैं, अब उनके लिए तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन, पहला चैप्टर टुटपुंजिया चैप्टर है, यही पार हो गया, दूसरा चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना है तो मुश्किल से 15-20 दिन जाता है वो, तीसरा चैप्टर मुश्किल से 20-25 दिन के बाद शुरू हो जाता है। अब 20 दिन से जिसको आप जान रहे हो उसके सामने तुम एकदम एग्जैक्टली तुमको नहीं पता सामने वाला किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, क्या उसका रिस्पॉन्ड पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अभी आप एक टाइम बोले और सामने वाला बलगर चालू कर दिया तो अब आपका जो क्लास है वो बहुत गंदा हो जाएगा, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन में खासकर एकदम से अगर नया बच्चा मिल गया तो मजाक स्ट्रिक्टिंग किसी गजब है, पेट पे लात मार रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग। अरे बाइक से बच जाए वो ब्लैक मनी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है ये वाला ब्लैक मनी है, इसका कोई हिसाब नहीं होता, उसका हिसाब होता पहले से टैक्स देके बहुत ज्यादा। इसे तो डर आता है जब भी बनाती ऑनलाइन फेयर, वो टेंशन हो जाता है मेरा ब्लैक मनी पकड़ा ना देते अभी मेरे अकाउंट में कितना होगा
11,224 रुपया ये प्योर ब्लैक मनी है, बाकी सब मनी मिट्टी मिट्टी में गाड़ गाड़ के रखे हैं। इसे 11,000 का हिसाब लेना पड़ता है घर में, समझे, इसे 11,000 का हिसाब होता है। तो इसका मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, खर्चा तुम जो करना करो, लेकिन बता के, बिना बताए तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो उसमें टॉफी खाना टॉफी खाओ, लेकिन डेली हिसाब करके डेली टॉफी खा गए तो अगला दिन बेलना मिलेगा। 20 दिन टॉफी खाया लेकिन बेलना भी खा, क्यों भाई? पूछोगे तुम बहुत मासूमियत से पूछोगे, क्यों मम्मी? बोले कि दांत में कैविटी वैविटी ना हो जाए, थोड़ा एक्सरसाइज होते रहते ना, थोड़ा स्ट्रांग है बेलना। पता है लोग बोलते हैं दतवन से दांतों जिसको बोलते हैं, इसलिए मुंह धोना चाहिए क्योंकि जब आप दबाते हो तो दांत एक्सरसाइज होता है। मम्मी पहले चले बेलना ही दे दिल लो, थोड़ा बढ़िया से एक्सरसाइज करो, टूट जाएगा तो सॉरी बोल के खाने का ना। सच में अगर ऐसी मम्मी हो, खासकर किसी ऐसे बच्चे की मम्मी जिसका बेलना का दुकान हो तो उसका तो 32 का 32 दांत तंग नहीं हो रहा। वो तो दांत सब लाइफ इंश्योरेंस रहता है, दांत इंश्योरेंस कराएगा। एक LIC के बदले DIC होगा, दांत इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी जिसकी मम्मी बेलना बहुत यूज करती है, सिर्फ आपके लिए प्रीमियम सस्ता रहेगा, क्योंकि बच्चे ही मार खाते हैं 1 रुपया पर डे, है ना, फिर भी 365 रुपया 1 साल का, 10 साल में 3,065 रुपया, 20 साल तक तो कोई बच्चा सलाद खा ही जाता है। तो हिसाब बहुत सीधा सा है, ऑलमोस्ट 7,000 रुपया के आसपास सब जमा करेंगे, सिंपल। चलिए आगे, इसको बस एक एग्जांपल मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये इम्पोर्टेंट है, और स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट बात है, कहीं भी नहीं। हाँ, तीसरा स्यूडोपोडियल मूवमेंट, आई गेस अभी बॉयज ही है आपको, मस्कुलर दिया है, बात करेंगे स्यूडोपोडियल ही अभी बॉयड है, वही ना बोल रहे हैं अभी, वर्ड लिखा है तो आप क्या बोला, स्यूडो पोडियल बोला, स्यूडो पोडियल मूवमेंट लिख सकते हैं, अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडो पोडिया। आई गेस आज के लिए बहुत बात हो गया, नहीं थोड़ा आपको लगा पढ़ाई बहुत हो गई, नहीं बोला आप बोलेंगे अकर्स विद, अच्छा अकर्स विद हेल्प ऑफ, दिन में सब लाइफ को देखना बोलते हैं अकस्मत हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। वैसे आपको लग रहा है बहुत सारा पोज दे दिया कैमरा पे, फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा रिकॉर्डिंग टेक के, फिर स्टेटस लगाएंगे। अच्छा उस वाले ग्रुप में पहचान मार देंगे हम, बता रहे हैं। अच्छा हाँ बताया हुआ था ना, उसके बाद मेरा रिप्लाई किसको गया था, किसी को बताई नहीं, बताई बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं बोलो, मैंने बताए यहाँ आए के बाद चैप्टर वो भी नहीं पता, जो मैं आया हूँ तो पूछ सकता हूँ, ये नहीं आ रहे तुम है भैया, देखिए कितना चीटिंग है, मीम हमसे पूछ के बनाए थे, बोले थे कि कौन सा वाला फोटो का मीम बनाना है, पूछे हम, अच्छा अच्छा कैंडिड वाला फोटो दे दे, इसमें कैंडिड लुक्स था, चोर जवान आलू लेके आया हूँ, पैसा बच्चा लोग है, जो भी दो चार स्कोप होगा मेरा भी खत्म हो जाए, फोटो और वीडियो लेने वाले हम थे, दो कमा को भेजे थे स्क्रीनशॉट मार के स्क्रीन रिकॉर्ड करके सब आपको भेजे, मतलब इसके लिए स्पेशल डिश बनता है, सबसे हार्ड चैप्टर पहुंचेंगे तब लेंगे, नहीं ये बनता है हार्ड घंटा, अच्छा है ना, पापा भी यही है, चाय पीने के लिए स्ट्रांग रीजन होना चाहिए,
चाय हम अच्छी नहीं बनाते हैं। मम्मी तो बनाती है। मम्मी हम मम्मी की बनाएंगे। अरे टीचर तुम्हारे मार्ट साफ गए। मार्ट साफ कोई नहीं है, कोई नहीं है। अभी मार्ट को तुम्हारे ऑफलाइन क्लास होते हैं मन में, चलो ऑफलाइन क्यों चल रहा है। अच्छा कोई नहीं, तुम तो खूब खुश हो, हमको पता है। हाँ हम बहुत खुश है, दो तीन दिन में टीचर आप मिले। क्लास ही है जिस वजह से बाहर निकल पाते हैं बहुत सारे लोग, ये तो दिन भर घर में रहना होगा। नहीं मेरा ठीक है, कुछ भी अब सामने निकले जाते हैं। वैसे हमको तो शौक नहीं होता, बस कोई खाने पीने का सामान घर ला के रहने तो कोई जरूरत नहीं। नहीं खाने पीने मतलब रोटी सब्जी कबाब नहीं कर रहे। वैसे आज घर में कोई नहीं, आज कुछ जबरदस्त होगा, फोटो जाएगा क्यों भैया। मेरे से अच्छा तो नहीं खाओगे गारंटी। आप क्या खा रही हैं? चिकन विकन खा रही हैं क्या? भैया के पास 11,000 रुपए। और अभी हम ऑफिशियली, और अभी हम ऑफिशियली यूज कर सकते हैं, घर में मम्मी नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, मेरा सामने क्लास है, दैट्स इट। तो भाई बोल रहे हैं पिज्जा मंगवा रहे हैं। इतनी छोटी हूँ कितना ही खाओगे? तो हम क्या सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि भाई बोल रहा है पिज्जा के लिए, तो सुख रहे उसके लिए पिज्जा मंगवा देंगे, और मेरा मन है चिकन। छोटे भाई है ना, मेरे छोटे भाई लोग तो क्या चाहिए। नहीं छोटा भाई इनसे लंबा है ना, तुम लोग इतनी इतनी समझ नहीं, मेरे से लंबा कोई है नहीं, जाहिर सा बात है, बात खत्म। आई वॉन द गेम। देखो चीटिंग करना आना चाहिए, जाहिर सा बात है, तुमको आता है। स्कूल में किए बहुत से बात करे करे, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट लगा देते, लेक्चर कौन कर पाता है? उनमें तो सबसे नहीं होता, सबसे ज्यादा इन लोगों का दिल्ली ख्वाहिश होता था, कोई याद है हम नहीं है। अच्छा ये सब आते, तुम किसी का भी एग्जाम दो, देख के तो समझ में आ ही जा रहा है क्या लिख रहा है बच्चा, इसलिए अब तो मैथ्स भी आ जाएगा, सोचो कितना अच्छा होगा बच्चा लोग, और रहेगा फिजिक्स तो पढ़ाते ही हैं। अरे हाँ एक और आइडिया मेरे पास, मेरे पास कुछ असाइनमेंट आ रहा है, तो आप दोनों को क्वेश्चन कर देना स्यूडोपोडियल मूवमेंट में लिखो, अकस्त विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, एग्जांपल ल्यूकोसाइट मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या था अफीफा बताएगी, वीडियो बनाई थी ल्यूकोसाइट्स और क्या बोले, मैक्रोफेज और एक और बोले ल्यूकोसाइट्स। हाँ अफीफा ये नाम कहीं सुने, अच्छा कौन सा ल्यूकोसाइट या मैक्रोफेज? मैक्रोफेज बोले ना। हाँ एक मिनट, माइक्रो मैक्रो था तो प्लांट एनिमल मोनेरा प्रोटोजोआ फंगस वायरस लाइकेन माइकोराइजा माइकोराइजा क्या था नाम है अमन, ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट इसी का दूसरा नाम है। अच्छा ल्यूकोसाइट WBC को बोलते हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये नहीं मालूम था, प्लेटलेट्स कभी सुने? हाँ प्लेटलेट्स सुने। और मैक्रोफेज एरियोला टिश्यू में आया था, एक ऐसा सेल जो तीन चीज रिलीज करता है,
हिस्टामिन सेरोटोनिन याद आ रहा है, वैसोडायलेटर वैसोकंस्ट्रिक्टर तो थी नहीं क्लास में डिस्कस में, तो डीलिंग ही मतलब खूब एब्सेंट मारी तो स्टार्टिंग में याद आया, नहीं तो बुक में ही देख मार्क कराए थे, खोले गए टिश्यू एरियोलर टिश्यू इस पेज में ऊपर में बात कर रहा ऊपर में देखो मैक्रोफेज दिखा लेबलिंग। अबे सबसे ऊपर वाला पहला डायग्राम में तेरे को मैक्रोफेज नहीं मिल रहा, उसका तीन रिलीज नहीं लिखे हम लोग मिला, ये भी लिखी है मैक्रोफेज वहाँ पे डब्ल्यू पी सी का मॉडिफिकेशन है, डिफेंसिव रोल प्ले करता है। हाँ सर बस उतना ही साइड पड़ेगा, इधर नहीं पड़े, इधर नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉकरोच पढ़ना, आर्थ्रोप नहीं पढ़ना आपको, फ्रॉग भी नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉकरोच पढ़ना, पढ़े हैं नहीं पढ़े, एक मिनट चैप्टर नहीं पढ़े, चैप्टर पढ़े हैं, पढ़े हैं, यहाँ तक बस पढ़े हैं, रिकॉर्डिंग देना था, भेजे थे कॉकरोच देखियो पक्का कर देना, नहीं भेजे बात है लास्ट ईयर को रिकॉर्ड किया ही हूँ, कॉकरोच हाँ कॉकरोच पढ़ना है, अर्थवाम और फ्रॉग नहीं पढ़ना, अर्थवाम का रिप्रोडक्शन थोड़ा सा ट्वेल्थ में है याद लाइन याद कर लेना, फ्रॉग फ्रॉग एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन इससे कार बार क्वेश्चन आते हुए हम देखे नीट में, और बदकिस्मती से लास्ट ईयर भी थोड़ा सा आ गया था, तो सिर्फ फ्रॉग का रिप्रोडक्शन देख लेना, अर्थवाम का भी रिप्रोडक्शन देख लेना और कॉकरोच पूरा, मतलब पांच छह लाइन तुमको याद कराएंगे हम लिखवा देंगे स्पेशली, बाकी सब दो पेज में से बस पांच छह लाइन, कॉकरोच पूरा पढ़ना डिटेल, और से एक दो क्वेश्चन हर साल होता है, शेफाली शाह ह्यूमन मिस ना करें, अच्छा शेफाली शाह का ह्यूमन हिंदी प्लस फॉर्स बहुत अच्छा है एक्चुअली, हाँ ड्रग टेस्टिंग कैसे होता है उस पर रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड है इसलिए बोला क्यों ह्यूमन ही ना, मुंबई डायरीज देखकर मुंबई डायरीज में डॉक्टर का प्लस पॉइंट दिखाया गया ब्राइटर साइड, ह्यूमन में मेडिकल लाइन में जो डार्कर वर्ल्ड है उसको दिखाया गया, किस तरीके से गरीब लोगों को यूज करके उन पर ड्रग ट्रायल कर लेते हैं, किस तरीके से अपने ड्रग को पास कराने के लिए किसी को भी पैसा देकर ड्रग ट्रायल, जैसे अभी देखो तुम लोग सुने ही होंगे कोविड का जो वैक्सीन आ रहा था तो सब लोग सुने थे पहले एम्स में भी ट्रायल हुआ था, ट्रायल के बाद फिर जब उसका रिजल्ट आ गया सब कुछ सक्सेसफुल रहा फिर जाके ड्रग को नॉर्मल लोगों के लॉन्च करा गया, एग्जैक्टली ये ड्रग ट्रायल बहुत मैटर करता है, और ड्रग ट्रायल क्या कैसे होता है इसका बहुत बढ़िया सा स्टोरी तैयार करके प्राइम पे नेटफ्लिक्स पे का है, ले लेना उसे लेकिन नहीं मैं कबड्डी देखते हैं ऑफिस टाइम देखते थे, बहुत अच्छा है आजकल का मैच देखे पढ़ना गजब दिखा, 25-26 पॉइंट के डिफरेंस जाहिर सा बात है पटना में रहा तो कहां सपोर्ट करोगे, पटना बहुत अच्छा खेल रहा है जीत जाएगा, नहीं मुंबई है टॉप पे जा सकता हूँ, बस हो गया मैच ज्यादा खेला है बैट लगा दो जो जीतेगा फीफा पार्टी देगी चलो चलता मसलर मूवमेंट लास्ट देखो और आज की शो देंगे मसल मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक मिनट भाई विद द हेल्प ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मसलर मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एग्जांपल पेरिस्टाल्सिस भैया सड़क दूसरा ये
एक मिनट लोगों को क्या होता है तुम बताओ, तो हम स्पेलिंग बताएंगे क्या पेरिस्टाइलिसिस। हाँ तुम लोग रुको, तुम बताओ विभा व्हाट इज पेरिस्टाइलिसिस। लग रहा है नाम सुना है। गलती से सुने थे, जानबूझ के सुने थे? नहीं भाई, किसी मूवी में सुने थे, पढ़ाई में सुने थे? अरे पढ़ाई में सुने थे। अच्छा क्या होता है पिता? क्या पेरिस्टाइलिसिस? पेरिस किसी के पास खोखा है? खोखा तो पैसा होता है ना, खोखा खोखा दोनों चीज होता है। घोड़ा के अंदर भी खोखा होता है। घोड़ा क्या होता है? अच्छा घोड़ा जाना। अच्छा भाई उतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है। वो हिंदी है ही नहीं। और उसको हिंदी में घोड़ा ही कहते हैं। तो अभी घोड़ा कहाँ से आ गया बीच में? आईडी के आप लाए भाई, चली थी घोड़ा के अंदर। आज इसका दिन बहुत ज्यादा बड़ा खराब है। देखो तुम घर जाना, दो तीन नारियल फोड़ना, लाल मिर्ची नींबू लटका लेना। और हम क्या करते सुन सुन को ईयर के बदले यहाँ पे एक एक नींबू एक एक मिर्ची लटा। अच्छा तो चिपका लेना फिर भी कल सो। हाँ तो बताओ क्या होता है पेरिस्टाइलिसिस? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस बाय विच द फूड फ्रॉम द माउथ गोज डाउन टू स्टमक। हमको 10 क्लास में ले जाएगा। ओके सो पेरिस्टाइलिसिस हो गया, लोकोमोशन हो गया। एग्जांपल है एक बोलिए तो वही तो स्पेलिंग कुछ देख के बाद चले गए। फोरिंग PERIS PL लिखी देते हैं। अरे बोल ही देते हैं तेरे देर में। मैं ओवर टिकली मतलब नहीं भाई, तुम लोग अभी जा रहा था हम उसके बाद गन भी सोचे थे। लोकोमोशन सच में आज चपीफा प्लीज बोल के मांग रहा है बताओ। इसको बोल के प्लीज होके जान मांग रहा, प्लीज अपना जान दे थोड़ा सा ज्यादा। एक्सक्यूज मी यस वुड यू प्लीज गिव मी वन किडनी। सामने वाला बोल फिर वो घोड़ा निकालेगा गन वाला, वो वाला घोड़ा नहीं। और फिर इसमें खोखा डालेगा गोली बोले। हाँ बोले ठीक क्या हो सामने वाले को देख खुद को। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत सारा मस्ती किए आज हम लोग। क्या पढ़ाई तो कर रहे, बहुत सारा मस्ती किए जितना दिन जितना दिन भी लोग घर में आए थे पापा बदला निकाल लिए। आप थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है ना? तुम में से कितने लोग टेबल पे बैठ के पढ़ते थे? पढ़ते बैठ टेबल